अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम लव बर्ड के कॉलोनी के अंदर जाएंगे। ये लव बर्ड का जो है कॉलोनी है, आप ये देख सकते हैं ये बाहर से हैं, ये विंडो साइड है, बैक साइड जो है अभी हम आपको फ्रंट साइड भी दिखाते हैं। आप बैक साइड पर आप देख सकते हो कि काफ़ी तादाद में जो है पौधे लगे हैं। ये जो है अंगूर का पौधा लगा हुआ है और इस साइड एलोवेरा है और इस साइड मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगे हुए हैं। ये जो है विंडो साइड है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल में ये लोग ब्लॉगर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो जल्दी से बर वक्त पहुँची जा सके। और वीडियो को मुकम्मल देखा करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। अभी हम आपको फ्रंट साइड दिखाते हैं। ये जो है लव बर्ड के कॉलोनी का फ्रंट साइड है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे, आपको एक नज़र जो है बाहर से दिखाते हैं। आज हम लव बर्ड की कॉलोनी का विजिट आपको कराएंगे। आपको बर्ड नज़र आ रहे होंगे कि अंदर बैठे हैं और इस नज़र से आपको देखिए तमाम तमाम पौधे आपको नज़र आ रहे होंगे। आज मौसम भी थोड़ा सा बेहतर है, सुबह सुबह का टाइम है इसलिए जो है इतनी गर्मी नहीं है। अभी मौसम थोड़ा सा बेहतर है। अभी हम अंदर जाएंगे और आपको लव बर्ड के कॉलोनी का मुकम्मल विजिट कराएंगे। ठीक है, एक नज़र आपको बाहर से भी दिखाते हैं। हम जो है लव बर्ड की कॉलोनी को अंदर से साफ किया हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। अभी एक साइड हम दोबारा से आपको विंडो की तरफ करते हैं और वो दोबारा दिखाते हैं आपको। इसमें जो है लव बर्ड आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि वो काफ़ी ऊपर बैठे हुए हैं। आपको जो है हमारे प्लांट्स नज़र आ रहे होंगे। ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे लगे हुए हैं और यहाँ तक जो है हमारा कॉलोनी है, काफ़ी ऊपर तक है। जल्दी से हम जो है लव बर्ड की कॉलोनी के अंदर जाते हैं और उन्हें दाना पानी भी डालते हैं और आपको विजिट भी कराते हैं अंदर क्या सूरत हाल है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें। जल्दी से हम अंदर जाते हैं कॉलोनी के अंदर और उन्हें दाना पानी डालते हैं। तो दोस्तों, हम कॉलोनी के अंदर आ चुके हैं और आपको तमाम बर्ड्स दिखाते हैं। बर्ड जो हैं लव बर्ड और पोमलिटिनो काफ़ी तादाद में बैठे हुए हैं। बाहर से जो है बहुत कम नज़र आ रहे थे क्योंकि काफ़ी जो है ऊपर बैठे हुए थे और कॉलोनी जो है काफ़ी ऊपर है जिसकी वजह से नज़र नहीं आ रहे थे। बिछोर जो है बहुत ज़्यादा करते हैं, काफ़ी तादाद में उनका शोर होता है। अभी हम इनका जो है मटका है वो चेक करते हैं कि इन्होंने अंडे दिए हैं कि नहीं दिए और फिर इसके बाद हम दाना पानी डालते हैं। जैसे ही हम करीब जाते हैं तो ये उड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये भी उड़ चुका है, ये भी उड़ चुका है,
ये डरते बहुत हैं, जिसकी वजह से जो है एक जगह पर नहीं बैठते, उड़ते ही रहते हैं ये, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। अभी हम आपको जो है मक्खी दिखाते हैं कि अंडे दिए हैं कि नहीं दिए। और जो है डब्बे के अंदर बैठा हुआ है, हम जल्दी से चेक करते हैं कि अंडा दिया है कि नहीं दिया। अंडा जो है इन्होंने अभी तक कोई नहीं दिए, बस बैठे रहते हैं अंदर। तमाम बर्ड जो है कॉलोनी के गेट के साथ बैठे हैं, जो बस तक बैठ चुके हैं तमाम बर्ड। इनके करीब जाओ तो ये डर कर दूसरी जगह बैठते हैं, इनकी ये खुफियात हैं। अभी तक ये सही ट्रेनिंग नहीं हुए, अभी भी डर रहे हैं। आज आधे जो है नीचे बैठे हैं और हमारा लिब्रा फिंचेस का जोड़ा ये बैठा हुआ है। ये भी काफी डरते हैं, ये भी उड़ जाते हैं। काफी तादाद में यहाँ पर भी बैठ चुके हैं, एक तो लाइट पर बैठा हुआ है और दूसरे जो है डोर के ऊपर बैठे हैं, और कुछ दीवार के साथ बैठे हैं, तो कुछ स्टिक पर बैठे हुए हैं। हम इन्हें दाना पानी डालते हैं। और तो दोस्तों हमने दाना पानी डाल दिया है बर्ड्स को, और वो कुछ ही देर बाद जो है नीचे आ जाएंगे। और हमने जो है कॉलोनी की सफाई भी की है, अभी तो इसे दोबारा जो है गंदा हुआ है, हम आपको कैमरे में दिखाते हैं। काफ़ी हद तक जो है सफाई हुई है, ये देखिए। रोशनी होने के बावजूद जो है आपको शायद सही नज़र ना आ रहा होगा। देखिए सफाई हो चुकी है फिर कॉलोनी की। हम आपको एक नज़र अपने बर्ड दिखाते हैं और रोड़ी को ख़त्म करते हैं। ये हमेशा नीचे बैठा पसंद करता है और एक जगह पर बैठा होता है, अभी दाना पानी के लिए आ जाता है, वरना वैसे एक ही जगह पर बैठा रहता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल मिनी व्लॉग डॉगर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँची जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।